अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, आप लोग बोलोगे कि व्लॉग्स में बहुत डिले आया जा रहा है, मगर मैं ना अगर आप लोगों को अपनी रूटीन बताऊँ ना, अगर मतलब इस रूटीन में रहकर भी मैं इतना टाइम निकाल लेता हूँ, व्लॉग बना लेता हूँ, एडिट करके छड्डो सारी गलन। आज मैं आपको सबसे पहले एक गुड न्यूज देता हूँ। वो यूट्यूब पर एक मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी आज से कोई 100 दिन पहले, हाँ 100 दिन बाद उसने एक्सपायर होना था, तो वो कल ही रिसेंटली वो एक्सपायर हो चुकी है। जब भी यूट्यूब का स्टूडियो ओपन में करता था ना, वाइटी स्टूडियो, तो वो सामने मुझे शो हो रहा था यू गॉट अ स्ट्राइक। और जब देखता था वो इतना मेरा दिमाग खराब होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल वैसे ही ओपन किया यूट्यूब का स्टूडियो, खत्म होया हुआ था, यार सुकून मिल गया। वैसे यार स्ट्राइक अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया, अब इसके बाद ख्याल करेंगे यार दोबारा कोई स्ट्राइक मुझे नहीं चाहिए अपने चैनल पे। अच्छा, तो एक और बात भी मैं यार आपके साथ शेयर करूँ, मेरे व्लॉग्स में जो म्यूजिक वगैरह बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मतलब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर म्यूजिक वगैरह का यूज करना पड़ता है, तो जो मैं म्यूजिक यूज करता हूँ ना, यकीन मानो यूट्यूब को पसंद नहीं आता, या मेरे साथ कोई खास जिद है, कॉपीराइट क्लेम मारा हुआ होता है हर व्लॉग में। मैं जो म्यूजिक यूज करता हूँ अपनी पसंद का जो लगाता हूँ, उसमें पक्का यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम मारना ही होता है। तो एडिट करने के बाद दोबारा अपलोड करने में, आप लोगों को मैं अगर बताऊँ ना, मैं यहाँ पर अपलोड करने के लिए मेरा मोबाइल यहाँ पर मैं रखता होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सिग्नल सही क्लियर आ रहा है। ये बात सिर्फ मेरा रूमी जो है ना आकिफ उसे ही पता है और अवैस को पता है। सुबह मैंने व्लॉग अपलोड करना होता है ना, तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पर रख देता हूँ व्लॉग अपलोडिंग में लगाकर, शाम तक भी अगर मैं कभी कभी आता हूँ तो वो 75% और इस तरह अपलोड होया होता है, मतलब पूरा दिन लग जाता है अपलोडिंग पे। और अपलोडिंग होते बाद जब आपको जी एक पूरा दिन वेट करें और अपलोड होते ही बाद आपके बाद नीचे आ रहा हो कॉपीराइट क्लेम, तो कसम से दिमाग खराब हो जाता है। बस यही हल रह जाता है कि यार जब यूट्यूब का अपना म्यूजिक होता है उसी को यूज़ करना पड़ता है लाइब्रेरी में जाकर। वो कितने बकवास घटिया किस्म के म्यूज़िक है ना यूट्यूब के, आप लोग देखते होंगे कि मेरे ब्लॉग में अक्सर जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया होता है वो नहीं मज़े का होता, बट यार मजबूरी है जिसके बिहाइंड रीज़न यही है कि मुझे मजबूरन फिर वही यूज़ करना पड़ता है। इन सारी बातों को, इन सारे मसले मसाइल को थोड़ा सा साइड पे करते हैं और मेन टॉपिक आपको बताता हूँ आज के ब्लॉग का। सीन ये है ना कि कल हमारा सुबह हमारा विजिट है इस्लामाबाद की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा एक इंडस्ट्रियल विजिट है, और जाएंगे हम कहाँ पर, इस्लामाबाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सही है। तो उधर जाने के लिए हमने तैयारी शेयरी करनी है, और उसमें हमारे डिपार्टमेंट के, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट में उसमें सिर्फ 3 बैचेस सेलेक्ट हुई हैं जिनमें से हम भी एक है, खुशकिस्मती से बोल सकते हैं, नहीं तो हमें हर दफ़ा इग्नोर ही किया जाता था। कंट्रोल ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि कल हमने सुबह 8 बजे रेडी रहना है, हमारी क्लास 9 बजे होती है, हम 9 बजे उठ रहे होते हैं और कल 8 बजे हमने यहाँ से निकलना है। और उसके लिए मैंने फिर यही सोचा कि यार व्लॉग तो बनाना ही बनाना है, वो तो मस्ट है, मैं सुबह उठूंगा, मैं तैयारी करूंगा, ये व्लॉग स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैंने कल का व्लॉग आज स्टार्ट किया हुआ है। तो कौन सा तीर मारा? ये देखते हो कि मैंने कभी फॉर्मल ड्रेसिंग कभी नहीं की, तो कल फॉर्मल ड्रेसिंग करके भी जानी है, पड़े हुए हैं, मूड ही नहीं करता कभी पहनने का। सबसे पहले तो फॉर्मल ड्रेस निकालते हैं, उसको फिर प्रेस वगैरह करना है, एंड देन देखते हैं। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। सुबह का टाइम है, बच्चे आ रहे हैं, ये सारे आज पढ़ाई करेंगे ये देखें, और हम इस्लामाबाद घूमेंगे। ये जी सुबह हम गए नीचे मैस में, नाश्ता कोई नहीं मिला, तो फिर ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। उमर भाई बड़े सोने लग रहे हो आज, माशाल्लाह। मेरे माइंड में आपकी बर्थडे हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों आ रही है। आशिर भाई बड़े सोने लग रहे हो, पर मेरे से कम। रास्ते में व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हालत ही नहीं थी व्लॉग बनाने की, पूरा रास्ते में मतलब ऐसे बैठे रह गए।
A few moments later. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आशिर भाई, सेशन कैसा रहा आपका? देखो अभी फिर बोलोगे कि आशिर भाई अकेले अकेले खाते, अभी ना खुश हो जो आशिर भाई ने आप लोगों के लिए बिस्किट। ये तो उनकी मेहरबानी है, उनकी नवाजिश है, वो खुद लेकर आ गए। मैं नहीं करता, उनसे माड़ी हालत आई हुई थी सुबह नाश्ता, मैंने तो उमर ने कोई नहीं किया, आशिर तो घर से घर कर आया। आशिर आशिर हाँ आशिर नाश्ता किया था? नहीं। चलो टी पार्टी इंजॉय करते हैं। वो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ, ये जी दूसरी दफा चाय मांग कर आ रहे, शर्म नहीं आती आशिर भाई, आपने कितने पैसे दिए हैं इसको देखो, इसको देखो। हाँ 5000। मुझे एक बात बताओ आशिर भाई, अपना व्लॉग छोड़, यार मेरी बात सुन रुक जाओ ना, चलिए मेरी बात थोड़ी ना, तो ये अपने व्लॉग का सोचता है, हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। 5 hours later. पूरा दिन ना स्टेट बैंक के घूम के इन्होंने जो इतना ऐसे हमें जबरदस्त खाना खिलाया ना, वो सारा हमारा तो हजम हो गया है कि आशिर भाई तो पागल हो गए। 0.5 पे रखो यार, इतने करीब से बना। नहीं नहीं ये ज्यादा मजा करती है। अच्छा बताओ आपकी टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है ना? मेरा दर्द इसलिए हो रहा है ना, थोड़ी सी चोट लगी थी उस दिन, फुटबॉल में गिरे थे तो ये घुटने वाली जगह रगड़ी गई, और ठंड में आपको पता है जब चोट लगती है तो फिर बैंक के अंदर की मैं वीडियोज नहीं बना सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, तो इसके व्लॉग में मैं इंक्लूड भी नहीं कर सकता, तो जितना मेरे से हो सका वो मैंने सारा कवर किया। वैसे तो मूड था कि स्टेट बैंक को अंदर से सारा कवर करता, बट अलाउ नहीं है इस चीज़ का। बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा है यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर ये राउंड हो रहा था और राउंड मुझे आ गया। बाकी ये ना मैंने ये वाली ड्रेसिंग जिंदगी में फर्स्ट टाइम की है, तो ऑनेस्ट रिव्यूज देना सही लग रही है कि नहीं मुझे तो बहुत। तो ये रहा अभी बस एंड हो गया, सुबह 10 बजे से हम आए हुए थे तो अभी 4:15 बज रहे हैं। ये बस में वापस जाना है, रास्ते में वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता क्योंकि रास्ते मेरा बड़ा फालतू सीन है भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गलत फायदा उठाया जा रहा है चीजों का। 5 hours later. बस यहाँ पर रुकी है और हम यहाँ पर कुछ खाने पीने को लेते हैं क्योंकि दिन का खाना खाया उसके बाद कुछ भी नहीं खाया अभी। आशिर भाई जरा खर्चा करो कसम से, मैं सुबह से खर्चा नहीं, तूने सुबह से मुझे बोला था तुम्हें खिलाएगा। अच्छा यार मैं खिला दूंगा, अभी कैश दे दो, मैं फिर पेमेंट आपको घर जाके दे। चलो ठीक है, जो पहले मुझे चाहिए वो तो लेके दो ना। किधर है मेरी स्टिंग, किधर मिल नहीं रही, ये रही स्टिंग, ओए स्टिंग को छोड़ ये रो और बड़ी भी ये लेते, चल निकाल। नहीं भाई किधर गले खराब होते, हाँ चल निकाल। मैं एक रेड बुल पीऊंगा, रेड बुल पी या जो भी, ओए रेड बुल नहीं पीनी, पैसे मैंने दे दिए। तो ये रहा जी, ये थोड़ा सा हमने सामान वगैरह ले लिया क्योंकि आगे फिर रास्ता है, तो वहां पर सेब भाई को मैंने यार पैसे भेज दिए, बहुत शुक्रिया। अभी अभी पहुंचे हैं हम वापस, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, तकरीबन 8 बज चुके हैं। कल फिर व्लॉग बनाना है यार, कल वाला व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है, अलाउ नहीं था वहां पर वीडियो वगैरह शूट करना, तो अपने माइंड में तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, तो इसी वजह से अगर पसंद आ गया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो 2 बार डिसलाइक कर देना। अपने रूम में नहीं गया इसलिए कि यार वो सोए हुए हैं, डिस्टर्ब होंगे, मगर यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी यही हाल हुआ है। ये चेक करो राणा साहब, राणा साहब उठ जाओ यार, उठ जाओ खाने का टाइम।
कहाँ गए हो? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बच्चे। आ गया यार, बड़ा मिस किया आज आपको। यार अब तुझे मिस इसलिए किया है कि तेरी याद आ रही थी। लाइट तो बंद कर यार। अच्छा अच्छा चलो उठना। अगली दफा पता हो तो हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट साथ लेके जाएंगे। महाराज आप भी आ गए। बस फिलहाल करता हूँ एंड हो जाओ कि कपड़े चेंज करने हैं इसको। बस ऐसे लग रहे हैं माहौल में आते हैं तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ओके बाय।